तो देखिए लगातार हलचलें तेज हो गई है, प्रक्रिया काफी तेज हो गई, कवायद काफी तेज हो गई है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, ये पांचवा दिन है। जाहिर सी बात है कर्नाटक की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है, बता दिया है, अब इंतजार है कि कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। तो इस बड़ा जो ये जो बड़ा प्रश्न है, सवाल है, उसका जवाब मिलता हुआ हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री मान लिया गया है, चुन लिया गया है, बस एक औपचारिकता भर रह गई है। कल विधायक दल की मीटिंग होगी बेंगलुरु में और विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा सिद्धारमैया को। तो दो बड़े नेताओं का नाम, दो बड़े दावेदार सिद्धारमैया और शिव कुमार, और इस रेस में जीतते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धारमैया। आज राहुल गांधी से दोनों दावेदारों की 1-to-1 मीटिंग है, तो कहा गया था आलाकमान फैसला लेंगे, आखिरी फैसला आलाकमान लेंगे, हाईकमान लेंगे, तो वो फैसला लगभग आ गया है। बस औपचारिकता समझ लीजिए कि एक ऐलान होगा, ये ऐलान कौन करेगा, राहुल गांधी या खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, ये देखने वाली बात होगी। विधायक दल की कल मीटिंग होने जा रही है बेंगलुरु में और इस मीटिंग के दौरान विधायक दल का नेता चुना जाएगा सिद्धारमैया को कल दोपहर बाद। बहुत हद तक मुमकिन है कि कल आखिरी फैसला ले लिया जाएगा। रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये बड़ी बात सामने आ रही है कि जो रेस चल रही थी मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, जीतते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धारमैया। बिल्कुल, ये बड़ी खबर, और आप कह सकते हैं कि रेस में पीछे छूट गए डीके शिव कुमार, और कहीं ना कहीं सिद्धारमैया लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि सिद्धारमैया के पास विधायकों की तादाद काफी ज्यादा है, विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है, और उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस आलाकमान के सामने सिद्धारमैया की दावेदारी को नकारना मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगी, क्योंकि लगातार डीके शिव कुमार इस बात को लेकर अपनी दावेदारी जता रहे थे कि वो लॉयल हैं पार्टी के और सिद्धारमैया दूसरी पार्टी से आए हैं, और हालांकि 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं सिद्धारमैया, प्रशासनिक अनुभव उनके पास काफी ज्यादा है, इससे पहले भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डिप्टी सीएम के पास काफी ज्यादा है इससे पहले भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डिप्टी सीएम के तौर पर वो उन्होंने जेडीएस के नेता के तौर पर काम किया हुआ था, जेडीएस से कांग्रेस आने के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया और उसके बाद फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल तक उन्होंने काम किया और फिर पार्टी के विधायक दल के नेता रहे, यानी विपक्ष के नेता के तौर पर भी उन्होंने 5 साल तक काम किया। काफ़ी ज़्यादा अनुभवी नेता बताए जा रहे हैं, काफ़ी दबंग नेता बताए जाते हैं और विधायकों के बीच काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी और लोग काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन डीके शिव कुमार पार्टी के काफ़ी लॉयल नेता माने जाते हैं और डीके शिव कुमार की लगातार यही बात कही जाती रही कि चाहे आप तीसरे लोगों को मुख्यमंत्री बना दीजिए लेकिन सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री मत बनाइए, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनकी बात नहीं मानी और सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे।